कांग्रेसी नेता मनीष मुंडे ने अपने गांव सावंत में हल्के के 55 गांव के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। विधानसभा नीलोखड़ी चुनाव में सभी ने मुंडे का साथ देने का दम भरा। जसपाल माजरा, संजय बस्थली, शेर सिंह धामली, मनीष पोडवाल, संजीव निसिंह ने कहा कि हम सभी तन मन धन के साथ भाई मनीष मुंडे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, भाई की हर संभव मदद करेंगे। शेर सिंह सामली ने कहा, इस बार हल्के की जनता अपने बीच का नेता चाहती है, पार्टी को लोकल उम्मीदवार ही मैदान में उतारना चाहिए। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा, भाई मनीष मुंडे हर लोगों की कसौटी पर खरा उतरते हैं, वह पूरी तरह से नीलोखड़ी हल्के की कसौटी पर खरा उतरने वाले युवा नेता है। हम सभी भाई का समर्थन करते हैं। बुखापुरी वासी राम सिंह सिरोही ने कहा कि हमें खुशी है सामान्य परिवार के बच्चे ने इतनी बड़ी सोच रखी, हम बेटे मुनीश के साथ हैं। मुनीश मुंडे ने कहा, इस तपती शिखर दोपहरी में आप लोग अपने बेटे अपने भाई के बुलावे पर पहुंचे, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मुनीश मुंडे ने कहा कि जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं सभी जनता के बीच आकर ये बात बोलते हैं कि टिकट उनकी जेब में है, लेकिन एकमात्र मैं ही ऐसा प्रत्याशी हूं जो खुले मंच से ये बोलता हूं कि टिकट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों का साथ, प्यार, आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो टिकट भी हमसे दूर नहीं। गांव के पूर्व सरपंच मुनीश मुंडे के पिता सूरज भान ने हल्के भर से पहुंचे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर देशराज भोला खालसा, अजय अजरहड़ी, महेंद्र गोंदर, रामकुमार श्यामगढ़, सतबीर पड़वाला, मोहिंदर पाल रमाणा, राजकिशन पस्ताना, सुरेंद्र डांडा कुचपुरा, बलबीर मोहड़ी, बलदारी राणा सग्गा, अनिल राणा सग्गा, करमचंद एडवोकेट, रमेश कुमार, सुखविंदर बैरसाल, विशाल गोंदर, डॉक्टर रोहित बस्तली, मोमदीन बस्तली, सूरज भान पड़वाला, फूल सिंह पड़वाला, शमशेर सिंह निसिंग, एडवोकेट सुल्तान सिंह, रविंदर, रोशन लाल ब्रास, रिंकू डाबरथला, राजेश गोलपुरा, धूप सिंह माजरौरान, एडवोकेट जसविंदर, रवि पधाना, अशोक राणा पधाना, राजेंद्र पधाना, अमित राणा पधाना, मोहित गुप्ता नीलोखड़ी, अनिल पधाना, शारदा संधु, रंजोर सिंह, नाथाराम, सुनील कुमार, नरेश कुमार के अलावा दर्जनों भर गांव से लोग मौजूद रहे। आज गांव सावंत में हल्का नीलोखेड़ी के करीब 60 से 70 गांव के लोग गांव सावंत में मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे और काफी भारी संख्या में लोगों ने मुझे जन समर्थन भी दिया। इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हल्का वासियों ने मुझे विश्वास दिलाया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वह तन मन धन से मेरा साथ देंगे। इसके लिए मैं अपने पूरे हल्का वासियों का, तमाम कार्यकर्ताओं का दिल से शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। एक लाइन और बोलो।